बंदूक में डाली जाने वाली गोली के अंदर चार मेन चीज होती हैं, धातु का ढांचा, बारूद, ठोस धातु की गोली और ढांचे के अंत में लगा प्राइमर जो बारूद में लगाता है आग। जैसे ही प्राइमर पर चोट मारी जाती है वो बारूद में आग लगाकर गोली को बाहर की तरफ धकेल देता है। अब इस गोली को काबू करने के लिए बनाई हमने एक नली जिसके एक कोने पर फिट होगी ये गोली। अब गोली पर चोट लगते ही वो जाएगी आगे और जाएगा इसका ढांचा पीछे की तरफ, लेकिन हम चाहते हैं ये ढांचा पीछे न जाए ताकि सारी ताकत गोली को आगे भेजने में ही इस्तेमाल हो। इसके लिए लगाया हमने एक बोल्ट और इस बोल्ट और बैरल को सपोर्ट करने के लिए लगाया हमने एक रिसीवर को जिसके अंदर बोल्ट बड़ी आसानी स्लाइड हो जाता है और उतनी ही आसानी से गोली को उसके चैम्बर में धकेल देता है। और ताकि बोल्ट अपने आप आगे पीछे ना हो इसलिए लगाया हमने एक नॉब को, लेकिन इस बोल्ट को हिलाने के लिए इसमें एक हैंडल भी चाहिए तो वो भी लगा दिया। अब ये बोल्ट रिसीवर से बाहर ना आए इसलिए लगाया एक स्टॉपर को, लेकिन ठोस बोल्ट की सहायता से गोली को फायर कैसे करें इसलिए इसके अंदर फिट की गई एक फायरिंग पिन। अब इस पिन को हाथ से तो ना चलाएंगे इसलिए लगाया इसमें एक स्प्रिंग को और अब जुड़ेंगे इसमें बाकी जुगाड़।